स्वागत बंधन। जैसे कि आप देख रहे हैं कक्षावार भी विषय हिंदी आरोह भाग दो के जो पाठ हैं उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि ये पाठ है शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित और ये निबंध है। चलिए आगे इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। हम इनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जैसे कि आप देख रहे हैं जीवन परिचय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आधुनिक युग के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं। आपसे ही हिंदी में ललित निबंधों की शानदार शुरुआत हुई। हिंदी आलोचना के चंद्र तथा ललित निबंधों के सूर्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 तदनुसार 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ। आपके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। आपकी माता श्रीमती ज्योति कला कली देवी धर्मपरायण महिला थी। वैद्यनाथ द्विवेदी बचपन का नाम था। आपका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, पुरज, विचार और वितर्क, पुनर्नवा। भाषा शैली द्विवेदी जी का साहित्य भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। उनके साहित्य में इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, व्यापकता व गहनता के दर्शन होते हैं। उनका साहित्य विचार के तेजस्विता, कथन के लालित्य की शास्त्रीयता का संगम है। उनकी भाषा पर पूर्ण अधिकार है। उन्होंने शुद्ध और साहित्यिक भाषा का ही साहित्य में प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम, अंग्रेजी और अरबी फारसी देशा शब्दों को भी अपनाया है। इस प्रकार उनकी भाषा परितृष्ट और सुसंकृत व्याकरण के अनुशासन के अनुशासित विषयानुकूल भावुकता एवं कविता की छटा से परिपूर्ण है। कैसी है? परितृष्ठित और सुसंकृत। यानी द्विवेदी जी की जो शैली है उनके व्यक्तित्व का द्योतक है। उनके साहित्य में गंभीर विषय के बीच भी बीच में हास्य एवं व्यंग कसे छींटे मिलते हैं। उनकी नाट्य शैली हिंदी साहित्य के लिए वरदान स्वरूप है। थोड़ा सा पाठ का सारांश समझते हैं। भारतीय संस्कृति की गहरी पैठ, विचारों की तेजस्विता, कथन का लालित्य और बंध के शास्त्रीयता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की आत्मा है। प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल उनके निबंध संग्रह कल्प लता से उद्धृत हैं। शिरीष का फूल संघर्ष, शिरीष का जो फूल है वो संघर्ष का प्रतीक, उसकी कठोरता व कोमलता का संघर्ष ही उन फूलों को गर्मी व लू में अनुपम सौंदर्य प्रदान करता है। शिरीष के फूल से घिरे हुए स्थान के बीच बैठकर द्विवेदी जी ने इस निबंध को लिखा। जबकि जेठ का महीना है, धरती अग्नि कुंड बनी हुई है, कनेर व अमलतास भी इसी गर्मी में खिलते हैं, लेकिन शिरीष की तुलना अमलतास से नहीं की जा सकती, क्योंकि अमलतास पलाश के समान केवल 15-20 दिन के लिए खिलता है और कबीर को केवल 15-20 दिन खिलकर कंकड़ बना जाना पसंद नहीं है। शिरीष बसंत से आषाढ़ तक तो खिलता ही है और उसका मन रमा तो भादो तक भी खिलता रहता है। उमस अल्लू में कालजयी अवधूत के अजय मंत्र के समान खिलता है। यद्यपि द्विवेदी जी ने अपने को कवि नहीं मानते, फिर भी शिरीष के फूलों का सौंदर्य उनके मन को झंकृत कर देता है। प्राचीन भारत के रईस अपनी वृक्ष वाटिका में अशोक, अरिष्ट, रीठा, पुन्नाग यानी सदाबहार, शिरीष के फूल और हरे व चिकने मंगलजनक वृक्ष लगाते थे। बादशायन ने कामसूत्र में बताया कि छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला डालना चाहिए और पुराने कवि को बकुल रहने वाला श्री के पेड़ का झूला डालना अच्छा लगता। द्विवेदी जी शिरीष के वृक्ष पर झूला डालना पसंद करते थे क्योंकि वे झूलने वाली कोमंगलाएं होती थी। आप यहां से जो है गद्यांश है, तो जो पहला गद्यांश पढ़ रही हूं वह है जहां पैठ के यह लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्नि कुंड बनी हुई थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आर
आरक वध यानी अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। संदर्भ समझिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह के ललित निबंध शिरीष के फूल से अवतरित है, या निबंध लेखक की कल्पता संग्रह से लिया गया है। इसके लेखक मूर्धन निबंधकार आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रसंग लेखक ने बताया कि भीषण ग्रीष्म ऋतु में जब अन्य वृक्ष सूखने लगते हैं तब शिरीष का पेड़ अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ विकसित होता है, उसके साथ साथ कनेर अमलतास भी खिलते हैं, परंतु लेखक को शिरीष का पेड़ ही सबसे अधिक आकर्षित करता है। व्याख्या, जेठ का महीना ग्रीष्म ऋतु का सबसे गर्म महीना होता है। सूर्य वृष राशि पर होने के कारण आग उगलता है, पृथ्वी अग्नि कुंड बनी होती, चारों ओर तेज धूप का प्रकोप होता है, तब शिरीष का पेड़ नीचे से ऊपर तक अपना सौंदर्य बिखेरता हुआ आकर्षित है। लेखक अपना यह निबंध इन्हीं शिरीष के पेड़ों की छाया के मध्य बैठ कर लिख रहे हैं और उन्हें चारों ओर शिरीष के पेड़ देखकर उनकी जीवन शक्ति का अनुभव होता है। ऐसी प्रचंड गर्मी में कुछ ही पेड़ पर फूल खिलते हैं, कनेर अमलतास ऐसे पेड़ हैं जो तपती गर्मी में भी खिलते हैं, परंतु उनमें शिरीष के समान सौंदर्य नहीं होता, अतः उनके खिलने का समय भी बहुत थोड़ा होता है, जबकि शिरीष लंबे समय तक खिलता है। लेखक शिरीष के पेड़ को जीवन शक्ति संघर्षशीलता से प्रभावित होकर सोचता है कि इस भयानक गर्मी में खिलने की हिम्मत केवल शिरीष का पेड़ ही कर सकता है। कनेर और अमलतास के पेड़ भी आसपास थे, परंतु लेखक के मन में शिरीष के फूलों के प्रति पक्षपात है। इसी कारण लेखक ने अपने लेखन के लिए शिरीष के पेड़ों से घिरे स्थान को महत्व दिया। विशेष शिरीष के फूलों फूल जो है भयंकर गर्मी में खिलते रहते हैं, इनकी विशेषता यह है। संस्कृत या तत्सम शब्द धरित्री, निर्धूम, अग्निकुंड आदि से युक्त परिमार्जित खड़ी बोली है, हिम्मत जैसे उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ पर कि लेकिन शिरीष के साथ आरकवध की तुलना नहीं की जा सकती है। 15-20 दिन के लिए फूलता है बसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ की पुखे खंखड़ दिन 10 दिन 10 फूला फल फूल के खंखड़ भया पलाश। ऐसे में दुमदारों से भले फूल हैं कि शिरीष बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है आषाढ़ तक, जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। संदर्भ जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया है। प्रसंग, जेठ माह की भयंकर गर्मी में शिरीष अमलतास पलाश आदि अनेक पेड़ों के फूल खिलते हैं, पर शिरीष के फूलों ने लेखक को जीवन शक्ति प्रदान की। यहाँ शिरीष के फूल की विशेषताएं बताई गई है जिनके कारण लेखक उसे पसंद करता। व्याख्या समझिए, द्विवेदी जी कहते हैं कि जेठ की विकराल गर्मी में शिरीष के फूल के समान कनेर अमलतास पलास आदि के अनेक वृक्ष फूलते हैं, पर शिरीष के फूलों के खिलने का समय अधिक होता है। शिरीष फूल के केवल 15-20 दिन के लिए खिलते, इस कारण लेखक शिरीष की तुलना अमलतास पलास से नहीं करते। कबीर को केवल 15-20 दिन के लिए खिल उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने कहा, पलास के समान केवल थोड़े समय के लिए खिलकर पूरे वर्ष ठूंठ या शुष्क रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेखक के कम समय के लिए खिलने वालों के लिए ऐसे दुमदारों से तो भले लोकोक्ति का प्रयोग करके यह स्पष्ट किया कि शिरीष का दीर्घ जीवी होना श्रेष्ठ है। अमलतास पलाश आदि के फूल कोमल होते हैं परंतु कुछ ही दिनों के लिए खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। शिरीष का फूल एक ऐसा है जो कोमल और सुंदर होते हुए भी लंबे समय तक लहरता है और उसके फल मजबूत होते हैं। इसी प्रकार उसमें कोमलता के साथ कठोरता भी है जो उसकी जीवन शक्ति का परिचय देती है। शिरीष बसंत ऋतु के आगमन के साथ खिलता है और आषाढ़ तक मस्त रहकर निश्चित रूप से खिलता रहता है और कभी कभी तो अति घुटन वाली गर्मी में महीनों भादों तक बिना किसी बाधा के खिलता रहता है। वह मानव को संदेश देता है कि उसे ग्रीष्म जैसी कठिनाइयों में भी मस्त रहकर जीना आता है। विशेष दिया है कि शिरीष के फूल का संघर्ष कठोरता कोमलता प्रतिकूल परिस्थिति में जीना सिखाता है। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ऐसे दुमदारों से तो लंगदूरे भले लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है और कबीर के उदाहरण ने भावों को सहज बनाया है। फिर आप देखिए यहाँ पर कि अशोक के अरिष्ट पुन्नाग और शिरीष के छायादार घन मृषण हरित मिया से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। बात्सायन ने कामसूत्र में बताया कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला प्रेखा डोला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कभी बकुल के पेड़ में ऐसी डोलाओं को लगाना देखना चाहते हैं, पर शिरीष भी क्या बुरा है, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती पर इसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। संदर्भ जैसे कि मैंने पूर्व बताया। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया बगीचे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए
रईस उसकी चार दीवारी पर अनेक प्रकार के फूलों, कवियों ने भी इन्हीं फूल वाले पेड़ों की छाया में कामनियों के लिए झूला डालने की इच्छा प्रकट की, परंतु द्विवेदी जी सीरीज की डाल पर ही झूला डालने को कहते हैं। व्याख्या, रईस लोग अपने बगीचे की चार दीवारी पर अनेक प्रकार के वृक्ष लगाते हैं, जैसे अशोक, रीठा, सदाबहार, सीरीज के पेड़। सीरीज का पेड़ आकार में बहुत बड़ा तथा छायादार होता है, इसके साथ ही वह घना, चिकना, मुलायम भी होता है। इस प्रकार के सुंदर पेड़ों से बगीचे की चार दीवारी ढकी हुई होती है, बड़ा ही सुंदर लगते हैं। ऐसे में सुंदर पेड़ों को देखकर वायसराय जी ने कहा, इन पेड़ों की छाया में कामनियों के लिए झूला डालना चाहिए। कुछ पुराने समय के कवियों का विचार है कि बकुल, मौल सीरीज के पेड़ों में झूले डालने चाहिए। द्विवेदी जी का कहना है कि जब इन सब प्रकार के वृक्षों में झूला डाला मतलब जा सकता है, तो सीरीज के पेड़ में भी झूला डाल देना चाहिए। यह सत्य कि सीरीज के पेड़ की डालियां कमजोर होती, परंतु उन झूलों को झूलने वाली नायिका भी कौमंगलाई होती है, और कौमलांगनी होने के साथ साथ तन्वे होती, जिस कारण उनका वजन क्या होता, कम होता है। इस कारण कोमल डालों पर उनके लिए झूला डाला जा सकता है। विशेष है यहाँ पर कि लेखक का सीरीज के पेड़ के प्रति लगाव दिखाया गया है। भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, परिवेष्टित घनम श्रण जैसे संस्कृत शब्दों की बहुलता है, और प्रकृति का परिगणनात्मक रूप चित्रित है। इसके बाद यहाँ पर सीरीज एक अद्भुत अवधूत है, दुख हो या सुख हार नहीं मानता, ना उधो नैना ना माधो का देना, जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब यह हर हजरत न जाने कहां से अपना खींचते रहते हैं, मौत से आठों या मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि श्रेणी का पेड़ जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल और तत्तुला जाल जैसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती, कभी बहुत बहुत इस सीरीज के समानी थे, मस्त और बेपरवाह, बस सरस और मादक। अब यहाँ संदर्भ दे की पूर्वत है, प्रसंग पढ़ते हैं। सीरीज और अवधूत दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। सीरीज और आंधी, लू और गर्मी का प्रचंडता में अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरता है, और अवधूत विषम परिस्थितियों में मानवीय मूल्यों को स्थापित करता है। लेखक ने यहाँ यही संदेश दिया है। व्याख्या समझते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में सीरीज की तुलना अवधूत से की गई है। जिस प्रकार अवधूत सुख दुख से बेलाग होकर भक्कड़ बना रहता हुआ कठोरतम परिस्थितियों में मस्त रहता, उसी प्रकार सीरीज का भी भयंकर गर्मी में जब आसमान और पृथ्वी सूर्य की गर्मी में तपते हैं, वह अपना रस खींचकर फूलता है, संसार को छाया और सौंदर्य देता है। दोनों किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, दोनों ही अजय बने रहते हैं। वे ना जाने कहां से जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं और पूरे जीवन भर मस्त रहते हैं। वे संसार के लेन देन के झंझटों में नहीं पड़ते। वनस्पति शास्त्र बताता है कि यह पेड़ वायुमंडल से सांस लेकर जीवित रहता है तथा फलता फूलता है। यदि वायुमंडल से सांस रस भार नहीं लेता तो उस गर्मी में सूख जाता, परंतु सीरीज भयंकर लू में जीवन का रस खींचकर इतने कोमल फूल का रूप ले लेता है, अर्थात सुंदर कोमल केसरिया फूलों को गाता है। इसी प्रकार अवधूत कठिन परिस्थितियों में फक्कड़ होकर भी जीता है, और उसके मुंह से अति सरस रचनाएं निकलती है। अवधूत की अनासक्ति ही सरस काव्य रचना का मूल होती है। लेखक ने कबीर और सीरीज को एक समान बताया है। दोनों ही संसार के सुख दुखों की परवाह नहीं करते, अपनी ही आनंद भूति में रहते हैं, फक्कड़ रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक सुंदर फूल देता है तो दूसरा सरस काव्य। विशेष, लेखक ने सीरीज के अवधूत दोनों को फक्कड़ बताया है। संस्कृत शब्दों में युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है, लघु वाक्यों के प्रयोग से भाव में सरलता आ गई है। ना उधो का लेना ना माधव का देना लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। हजरत और मौत जैसे उर्दू शब्दों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। इसके बाद यहाँ पर कालिदास जी भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। सीरीज के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं, और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता, जो फक्कड़ नहीं बन सकता, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया वह भी क्या कभी है। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि, तीसरे व्यास, एक ने वेदों को दिया, दूसरे रामायण को, और तीसरे ने महाभारत को। संदर्भ जैसे कि मैंने बताया पूर्वत है। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश के जो लेखक है कालिदास को अनासक्त योगी और सीरीज के फूल को फक्कड़ बताया। जो अनासक्त फक्कड़ नहीं होता, लेखे जोखे में उलझा रहता, वह कभी नहीं होता। व्याख्या, मेघदूत काव्य की सरसता मधुरता को देखकर द्विवेदी जी कालिदास जी को अनासक्त योगी मानते हैं। सीरीज की भी
भयंकर लू गर्मी से जीवन रस खींचकर कोमल फूलों को खिलाता। इसी प्रकार मेघदूत सरस काव्य की जो रचना है, जैसे वही कवि कर सकता है जो संसार के भोगों से ऊपर उठाओ, जिसका हृदय स्वच्छ हो, जिसका हृदय सारे बंधनों से स्वतंत्र हो, जो फक्कड़ हो, जो मौज में रहता हो, कभी संसार के भोगों में फंसा मतलब फंसा हो, और फक्कड़ व मस्त ना रहा, मतलब फक्कड़ व मस्त ना हो, संसार के हिसाब किताब में फंसा हो, अपने कार्यों का लेखा जोखा मिलाने में लगा हो, जीवन की भयंकर परिस्थितियों संघर्षों को सुलझाने में लगा हो, वह कभी कभी कोई श्रेष्ठ नहीं बन सकता। कर्नाट राज वर्तमान कर्नाटक की प्रिया वज्जिका देवी ने तीन लोगों को ही सच्चा कवि माना, ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास जी। ब्रह्मा ने वेदों को दिया, वाल्मीकि जी ने रामायण को, तीसरे व्यास जी ने महाभारत को दिया। तीनों ही महाकाव्य सरसता का अभूतपूर्व उदाहरण है। आदर्श कवि बनने के लिए फक्कड़ मौजी हुआ अनासक्त बनना ही हुआ। अनासक्त फक्कड़ अनाविल मुक्त हृदय वाला कवि ही मेघदूत जैसे सरस काव्य की रचना कर सकता है। संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये कराए लेखा जैसे लेखा जोखा जैसे सामासिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। श्रीज तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसे तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बन सकता है कि अभी ब्रह्मा परिवर्तन धूप वर्षा आंधी लू अपने आप में सत्य नहीं है। हमारे देश के ऊपर जिसे जो यह मार काट अग्निदाह लूटपाट खून खच्चर जो भी मतलब बवंडर बह गया उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है, शीरीष रह सकता है। पर शीरीष का जो फूलवा रह सका, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था, क्यों मेरा मन पूछता है ऐसा क्यों संभव हुआ। संदर्भ जैसे मैंने बताया पूर्वज प्रसंग द्विवेदी जी बता दें, शीरीष के पेड़ को अवधूत तथा गांधी दोनों ने ही विषम परिस्थितियों में सुख दुख से दूर रहकर मस्त बने रहने की प्रेरणा देता। संघर्ष ही जीवन है, आज ऐसे ही अवधूत देश की रक्षा कर सकते। व्याख्या, लेखक ने यहाँ पर सीरीज के फूल के पेड़ को अवधूत के समान बताया क्योंकि वह चारों ओर से कठिन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, वह अवधूत के समान सांसारिक बंधनों से उन्मुक्त रहता है। सीरीज के पेड़ का यह अनासक्त स्वभाव लेखक को भी अनासक्त रहने की प्रेरणा देता है। यह पेड़ हर प्राणी को संघर्षशील जुझारू स्थिति में भी सरस तथा सौंदर्यपूर्ण बने रहने के लिए उत्साहित करता है। ब्रह्मा परिवर्तन धूप वर्षा आंधी लू आदि सत्य परंतु श्री समय से जीव का रस लेकर संसार को सुंदरता व छाया देता है। इसी प्रकार भारत पाक विभाजन के समय मारकाट हिंसा घटनाएं घटी, उस समय श्रीज के पेड़ के समान एक वृद्ध गांधी जी स्थिर खड़े रहे। उनका कारण था, उसका कारण था कि एक अनासक्त योगी था जिसे अवधूत या सन्यासी कह सकते हैं, उसने सांसारिक विषम परिस्थितियों में जीवन बिताया और जीवन के रस को ग्रहण किया। विशेष जीवन की कठिन परिस्थितियां और संघर्ष ही जीवन में सरसता मधुरता जन्म देती है। तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और प्रश्नों के मध्य से सत्य को उजागर किया गया है। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो पाठ था शीरीष के फूल उसके गद्यांश और उसके अनुवादों को पढ़ाया और समझाया। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।